अगर कोई किसान लघु व सीमांत किसान की श्रेणी में आता है और उसका जन आधार कार्ड बना हुआ है तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसे शॉर्ट में माँ योजना कहा जाता है, उसकी पॉलिसी बिल्कुल निःशुल्क करवा सकता है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की पॉलिसी निःशुल्क करवाने के लिए यहाँ पे जरूरी है कि किसान का जो लघु व सीमांत किसान स्टेटस है वह जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट हो। अगर जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट हैं तो डायरेक्टली ऑनलाइन ईमित्र से आवेदन करके बिल्कुल निःशुल्क पॉलिसी बनाई जा सकती है। साथ ही साथ अगर पहले से पॉलिसी बनवा चुका है तो पॉलिसी को वो एक्टिवेट भी इसी प्रकार से कर सकता है, यानी कि उसका नवीनीकरण भी उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से एक नई पॉलिसी के लिए आवेदन किया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जन आधार कार्ड के अंदर SMF कैटेगरी अपडेट हो, तभी ये काम होगा, वरना फिर ये काम आपका नहीं हो सकता। तो ये पॉलिसी किस प्रकार से ऑनलाइन बनाई जा सकती है तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ईमित्र पे लॉगिन हो जाना है, यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करना है, सर्च के अंदर आरोग्य लिखना है और मुख्यमंत्री आरोग्य योजना प्रमाण पत्र प्रिंट वाली सर्विस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही दोस्तों आप डायरेक्टली मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या दर्ज करके सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो इस प्रकार से डिटेल आएगी और जन आधार कार्ड में SMF कैटेगरी अपडेट है तो बताएगी। तो जो पुरानी पॉलिसी है वो यहाँ पे बताएगी, तो भी आप देख सकते हैं पुरानी पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है और अभी नई एक्टिवेट नहीं की है। तो एक्टिवेट करने के लिए सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा जनरेट पॉलिसी का, उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और परिवार के एक सदस्य को सिलेक्ट करके यहाँ पे एप्लीकेशन पे ई साइन करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जन आधार कार्ड के अंदर SMF कैटेगरी अपडेट है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती हैं स्मॉल एंड माइग्रेट फार्मर SMF, तो SMF कैटेगरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, एक OTP नंबर भेजे जाएंगे, वह OTP नंबर यहाँ पे दर्ज करके वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पॉलिसी जनरेट हो जाएगी, आप डाउनलोड पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, पॉलिसी डाउनलोड हो जाएगी और इसके ऊपर जस्ट क्लिक करके ओपन कर लेंगे। जैसे ही पॉलिसी ओपन होगी तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी और कौन सी दिनांक से कौन सी दिनांक तक ये पॉलिसी हुई है, कौन सी योजना में हुई है, तो ये सब कुछ इसके अंदर दिखाई देंगी। तो ये तरीका था पॉलिसी नवीनीकरण करने का SMF कैटेगरी की। यह तरीका था पॉलिसी एक्टिवेट करने का, पॉलिसी डाउनलोड करने का और उसकी प्रिंटआउट निकालने का। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। तो इस प्रोसेस के फॉलो करके कोई भी किसान अगर लघु व सीमांत किसान की श्रेणी में आता है तो अपनी पॉलिसी निःशुल्क करवा सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। इसके अलावा कोई निःशुल्क श्रेणी में नहीं आता तो ₹850 के प्रीमियम का भुगतान करके भी इस योजना में जुड़ा जा सकता है। तो इस योजना में किस प्रकार से जुड़ा जाता है तो उसके बारे में भी ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों।